देख रहे हैं खटपट न्यूज़। प्रदेश में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजधानी रायपुर के माना परेड ग्राउंड में परेड और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही डीजीपी डीएम अवस्थी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मरवाही उपचुनाव को लेकर कहा कि मरवाही में कांग्रेस की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेसीसीजे पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती को मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, और शपथ लेते हैं कि इस देश को एक रखने के लिए, एकता और अखंडता के लिए हम सब पूरी तौर पर तैयार हैं। और एकता दिवस के रूप में इसलिए सरदार पटेल उसको मनाया जाता है तो प्रमाणित हो गया, क्योंकि अगर वो बी टीम नहीं होती तो या तो शांत बैठते, या अगर उनको लगता है कि कांग्रेस ने उनको सदैव आगे बढ़ाया है तो कांग्रेस को समर्थन करते, जैसा कि उन लोग कहते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया, बड़े बड़े पद दिए, बड़े बड़े स्थान दिए, तो करना चाहिए था तो कांग्रेस को। खटपट न्यूज़ रायपुर।